हेलो गाइस, 2023 आ चुका है और 2023 में अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है और अगर आप अपने स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का घर बैठे KYC अपडेट करना चाहते हैं यानी आधार लिंक करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रॉफिट दिखाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है SBI लॉगिन। तो जैसी आप यहाँ पर SBI लॉगिन सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर आपको पहली वेबसाइट मिलेगी लॉगिन SBI इंटरनेट बैंकिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपको इसी वेबसाइट पर क्लिक करना है और इस वेबसाइट का कुछ इस प्रकार इंटरफेस है, आप यहाँ पर देख लें। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको इसको डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कर लेना है तभी यह प्रॉपर वर्क करेगा। तो आपको यहाँ पर इसको डेस्कटॉप मोड पर इनेबल कर लेना है। अब यहाँ पर आपको इसको जूम करना। जूम करने के बाद यहीं पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा कंटिन्यू टू लॉगिन। तो आपको इसी कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यह यूजर नेम, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा एंटर करने के लिए बोलेगा। तो जो कैप्चा यहाँ पर आपको शो हो रहा है 3, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके वही कैप्चा यहाँ पर आपको सेम एंटर करना है और लॉगिन करना है। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर अपने SBI बैंक का यहाँ पर यूजर और पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप यहीं से अपने SBI बैंक का यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं यानी नया यूजर नेम और पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है और कैप्चा में जो यहाँ पर शो हो रहा है वही सेम यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सब कुछ एंटर कर लॉगिन पर क्लिक करेंगे फिर आपके स्टेट बैंक में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा, वही OTP यहाँ पर आपको एंटर करना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP सबमिट करेंगे फिर आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब यहीं पर आपको 3 डॉट्स हो रहा है साइड में, तो आपको इसी 3 डॉट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करेंगे अब यहीं पर आपको पहले नंबर ऑप्शन मिल रहा होगा माय अकाउंट एंड प्रोफाइल। तो आपको इसी पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है माय अकाउंट एंड प्रोफाइल। अब जैसे ही आप माय अकाउंट एंड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे फिर आपके सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे आ जाना। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहीं पर आपको नीचे ऑप्शन देखने मिलेगा अपडेट KYC। पहले यह ऑप्शन नहीं था लेकिन अब यहां पर ऑप्शन आ चुका है अपडेट KYC यानी अब आप यहां पर ऑनलाइन ही अपने SBI के यहां पर KYC अपडेट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको अपडेट KYC वाले ही ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट KYC पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर यह सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा, आप यहाँ पर दे सकते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर एक एरो देखने को मिल रहा है तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है। अब आपके जो SBI का जो भी अकाउंट नंबर होगा वही अकाउंट नंबर यहाँ पर शो रहा होगा तो यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर को फ्लैट करना है। अभी यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक है, यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर पर क्लिक कर देना है अकाउंट नंबर के सामने गोले पर। फिर यहाँ पर आपको अपने SBI का अकाउंट नंबर शो होगा तो यहीं पर आपको नीचे सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा तो अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया अब आप यहाँ पर दे सकते हैं डियर कस्टमर योर KYC अपडेशन इज नॉट ड्यू, यानी यह बोल रहा है कि हमारे जो SBI का जो बैंक में जो अकाउंट है उसका KYC ऑलरेडी डन है, यानी अगर आपका यहाँ पर KYC नहीं होगा तो यहाँ पर यह और प्रोसेस करने के लिए बोलेगा। उसके लिए यहाँ पर आपका आधार नंबर एंटर करने के लिए बोलेगा, फिर वेरिफिकेशन करने के लिए बोलेगा, फिर यहाँ पर आपका KYC अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका KYC है या नहीं, होगा तो आपके सामने यहाँ इस प्रकार का पॉपअप आ जाएगा। लेकिन अगर आपका KYC अपडेट नहीं होगा मांग रहा होगा तो यहाँ पर आपको और स्टेप फॉलो करनी है थोड़ी बहुत, बस आपका यहाँ पर KYC भी अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार आप यहाँ पर ऑनलाइन पता कर सकते हैं KYC अपडेट है या नहीं, और KYC नहीं है तो आप यहाँ पर ऑनलाइन KYC भी कंप्लीट कर सकते हैं।